नमस्कार, स्वागत है आपका mahindraguru.com में। आप देख रहे हैं न्यूज फीवर। मुख्य समाचार 15 अप्रैल 2016 के कुछ इस प्रकार हैं। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम K4 मिसाइल का अरिहंत पनडुब्बी से परीक्षण किया गया। K4 मिसाइल और अरिहंत पनडुब्बी दोनों को स्वदेश में ही विकसित किया गया है। K4 मिसाइल का रेंज 3500 किलोमीटर है। अगला समाचार। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक PNB ने हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में SMS अलर्ट की सेवा और भारत नेपाल धन प्रेषण के साथ कई अन्य सेवाओं की शुरुआत की। अगला समाचार। पिछले साल की तुलना में $1 अरब की गिरावट होने के बावजूद साल 2015 में भारत दुनिया में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। विश्व बैंक की सालाना रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत ने साल 2015 में भी अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है। अगला समाचार। भारतीय डाक विभाग ने वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी वेस्टर्न यूनियन के साथ सहभागिता के 15 साल पूरे होने के मौके पर उसे स्पेशल पोस्टर कवर जारी कर सम्मानित किया है। अगला समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाज मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं दक्षिण कोरिया के महासागर एवं मत्स्य मंत्री श्री किम यंग सुक ने बंदरगाहों के विकास में सहयोग एवं आपसी सहायता के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला समाचार। प्रमुख प्रसारण कंपनी स्टार इंडिया ने उदय शंकर को कंपनी का चेयरमैन व CEO बनाया। अगला समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिशन पेयजल आरंभ किया। इसका उद्देश्य राज्य के मराठावाड़ा एवं विदर्भ क्षेत्रों में पड़ने वाले सूखे एवं जल संकट से निपटने के लिए उचित उपाय करना है। अगला समाचार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2015 चयनित किए गए। महिलाओं की श्रेणी में व्हाइट फॉन्स की कप्तान सूजी बेट्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2015 चुना गया। अगला समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दिन 2 दिवसीय और 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की अपार संभावनाओं की ओर और वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना है। अगला समाचार। विश्व बैंक और एशिया बुनियादी ढांचा निर्देश बैंक ने संयुक्त परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ करते हुए पहले सह भागीदार ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम और AIIB के अध्यक्ष जिन लिंक्विन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखते रहिए mahindraguru.com, क्योंकि योर सक्सेस इज आर सक्सेस। धन्यवाद।